फिर वो पूछेंगे जब सच्चाई तब से हार जाएगा तो कहेगा अच्छा इकट्ठा होके करोगे क्या, क्योंकि अधिकतर लोग ये सुनना चाहते हैं कि आखिर हम करेंगे कैसे, ये समर संघ हमको कैसे दुखों से मुक्त कराएगा, ये उनकी जिज्ञासा है। वो नेता लोग हैं, वो दरअसल जो काम करने वाला है, जो जुड़ने वाला है, जो समझदार व्यक्ति है, जो संगी हो चुका है, उसका प्रश्न नहीं आता। पर जो सामने नेता मिला है जिसको समर संघी सिखा रहा है, वो समर संघी को डाउन करने के लिए, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हराने के लिए, उसको तर्क वितर्क में हराने के लिए और जीतने के लिए हारा चारों तरफ से, तो वो लास्ट में ये तीर फेंकता है भाई इकट्ठा होकर क्या करोगे। क्योंकि इकट्ठे होने के बाद में लोग क्या करते हैं, या तो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, या वो राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, या कोई पैसे का लेन देन का बिजनेस व्यापार खोलते हैं तो पैसे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, ये या कोई एजुकेशन का काम करते हैं, एजुकेशन का काम आगे बढ़ाते हैं, मोस्टली ये काम करते हैं लोग। पर समर संघ ने तो डिक्लेयर किया नहीं कि इनमें से कोई काम करेगा, पर समर संघ ने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि वो इनमें से कोई काम छोड़ेगा भी, क्योंकि समर संघ ये कहता है कि इकट्ठे होने के बाद जिसको जो काम करना है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जो जिस विद्या में पारंगत है, जो जिस लाइन में जाना चाहता है, वो उस लाइन में जाए, वो सफल होगा, क्योंकि लोग चाहिए सब काम के लिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो लोग चाहिए, अगर आपको धार्मिक काम करना है तो लोग चाहिए, अगर आपको आर्थिक काम करना है तो लोग चाहिए, अगर आपको कोई सामाजिक काम करना है तो लोग चाहिए। जब सारे लोगों को एक साथ आप पहले ही इकट्ठा कर चुके हो तो बताओ कौन सा ताला खोलना है, सारी चाबी आपके जेब में है। अब आप धार्मिक ताला खोल लो, अब आप सामाजिक ताला खोल लो, अब आप राजनीतिक ताला खोल लो, अब आप एजुकेशन का ताला खोल लो, यूनिवर्सिटी का ताला खोल लो, जमीन का ताला खोल लो, लड़ाई का ताला खोल लो, भिड़ाई का खोल लो, करुणा का खोल लो, मैत्री का खोल लो, कोई नया मत बना लो, कोई नया पंथ बना लो, जो चाहो वो कर सकते हो। जिनके पास संघ होता है सारे ताले चाबी वहां से चलते हैं। इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं कि इकट्ठा होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारे मुंह से ये सुनना चाहता है एक चीज बता दो, एक चीज बता दो। अब जो भी आप बताओगे उसी में आप फंस जाओगे। मान लो आपने कह दिया कि हम तो धर्म का काम करेंगे, तो वो आपको 100 उदाहरण बता देगा कि धर्म में तो सब जी के काम कर रहे हैं वो तो फेल है, जितने भी धर्म के लोग काम कर रहे हैं वो सब फेल है, धर्म तो बढ़ नहीं रहा आगे, कोई सा भी मत है, हम तो सभी समणों के सारे मतों की बात करते हैं। तो वो आपको तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप कहोगे हाँ ये तो बात सही है, कोई मत नहीं चल रहा, सारे मत लड़ रहे हैं आपस में, ये बात तो संघ खुद भी कहता है और आपने खुद कही थोड़ी देर पहले। गलती से आपने कह दिया कि हम तो ताला चाबी खोलेंगे, तो कहेंगे जी ताला चाबी खोलने की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तुम्हें क्या कर लोगे, तो कैसे जवाब दोगे, क्योंकि आपने ताला चाबी खोलने के लिए कहा तो फौरन कह देगा फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, तो तुम क्या कर लोगे, नहीं और ये बात सही है, क्या कर लोगे भाई, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आपने कहा जी हम सामाजिक काम करेंगे, तो सामाजिक संगठन तो बहुत सारे हैं, वो फ्लॉप हो गए, वो खराब हो गए, वो टूट गए, वो बट गए, तो आप ही कौन सा नया तीर मान लोगे। इसलिए जैसे ही मुंह खोलोगे आप वैसे ही फंस जाओगे। पर समर संघ ये कहता है कि हमें मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बात ये कहनी है हमें कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। जब आप उससे पूछोगे कि आप क्या करना चाहते हो तो वो बताएगा कि जी वो राजनीति में जाना चाहते हो तो करो, वेरी गुड, जाओगे राजनीति में, कौन मना करता है, पर लोग तो चाहिए ना, इकट्ठे तो करोगे, बिना इकट्ठे हुए चले जाओगे तो यहां वो फंस जाता है। कोई कहे जी मुझे तो बुद्धिस्ट भारत बनाना है, बौद्ध में भारत बनाना, तो कह वेरी गुड, बनाओ भाई, अच्छी बात है, हमारी पुरानी परंपरा है, पुराना हमारा भारत कभी गौरवशाली रहा है, पूरी दुनिया में आज भी जाना जाता है, कौन मना करता है, पर लोग तो चाहिए, बिना लोगों के इकट्ठे करे कैसे। बुद्ध ने भी पहले लोग इकट्ठे किए, तभी तो जाके इसको धम्मिक भारत बनाया था, तभी तो आभारत बनाया था, आभा का भारत बनाया था, तो बिना इकट्ठे हुए तो बुद्ध ने भी नहीं बनाया, तो तुम्हारी क्या औकात है भाई, तो समझ में आ जाएगा उसको कि बात तो ठीक है। तो वो बताए हमें कि वो क्या चाहता है, और फिर उससे अगला सवाल करो कि ये काम बिना लोगों के हो सकता है तो बता। तो हम यहां काम बाद में करेंगे, पहले लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये ठीक ऐसे है जैसे दो व्यक्तियों में जब झगड़ा होता है तो दोनों बराबर के होते हैं, और उनमें से एक पक्ष वाले के साथ में अगर दो व्यक्ति आ जाएं तो जो सामने वाला है वो कमजोर पड़ जाता है, वो कहता भाई साहब मैं तो वैसे झगड़ा कर रहा था, कोई बात नहीं। पर जब उसके साथ भी चार लोग आ जाएं और वो दो रह जाएं, फिर वो कहता है बताऊंगा तुझे क्या है क्या नहीं है। यानी जिसका संघ बढ़ता जाएगा उसका कारण वारण कुछ नहीं है, वो बलशाली होता जाता है और उसकी आवाज में दम आता चला जाता है। ये सिद्धांत है जीतने का, जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये संविधान कहता है, इसलिए आप सन्निपात बाहुल करेंगे, आप बहुत ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे तो गांव में भी जीतेंगे, मोहल्ले में भी जीतेंगे, जहां आप काम करते हैं वहां भी जीतेंगे, जहां जहां आप इकट्ठा होकर संघ में रहेंगे वहां वहां आपकी जीत होगी, और जब जब आप संघ में इकट्ठा होते रहेंगे तब तब आपकी जीत होगी। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये कभी फेल नहीं हो सकता, ये सनातन है, ये हमेशा से चलता आया, ये प्राकृतिक का सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत पे चलते हुए हमें तेजी से आगे बढ़ना है और इस पे काम करना है। इसीलिए हमको सन्निपात बाहुल में लगातार लगातार लगातार, अब इसके नियम आ रहे हैं कि सन्निपात बाहुल में कैसे हमें उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, श्रमण डायरी आ रही है,